नमस्कार, मैं राजेश गौतम, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी जगबानी टीवी। मेरे साथ अकाली दल के सीनियर लीडर मनप्रीत सिंह अयाली जी हैं, इनसे बात करते हैं। सर, इस बार लोकसभा चुनाव को किस तरीके से देख रहे हैं? देखो, इस बार जी लोकसभा की चुनाव होने जा रही है, वोटा पै रही जो पहली चोन पंजाब पैनिया ने, ये श्रोमणी अकाली दल इस बार कल्या चोन लड़ रहा। लुधियाणा लोकसभा हल्के तो रणजीत सिंह ढिल्लों जो एक बहुत वधिया उम्मीदवार ने, साडे बहुत वधिया नेक इंसान ने, तो बहुत वधिया उन्होंने काम किए अपने इलाके दे विच भी। जिस जदों जिला प्रधान रहे शहरी दे अकाली दल दे, उदों भी उन्होंने बहुत वधिया लोगों विचरे। सो इसलिए असं आस करते हैं, खास तौर पर मेरे हल्के दे विचों भी, क्योंकि साडा इलाका जिहड़ा पंथक इलाका वा, इस इलाके ने हमेशा ही अकाली दल का बड़ा साथ दिता। तीन बार मैनूं इत्थों MLA बनाया। सो अज साडा इत्थे मीटिंग बुलाई गई सी वर्करां दी, बहुत वड्डा इकट्ठ होया, वर्करां च बहुत उत्साह वा, तो मैं पूरी आस है कि वर्करां दे सहयोग नाल असीं ढिल्लों साहब नूं इत्थों जिता के भेजांगे। किस तरीके से देखते हैं इस बार BJP से अलग होकर के अकाली दल चुनाव लड़ रही है, उसका नुकसान होने वाला है या फायदा होगा अकाली दल को? देखो, अकाली दल नूं तां फायदा ही होगा, खास तौर पर पिंडां ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि पिछले समय च जिहड़ी BJP गौरमेंट सीगी, वो जिहड़े कुछ मसले नहीं हल कर सके ना जिहड़े पंजाब दे, चाहे वह किसानां नाल संबंधित सी, चाहे वह सिखां नाल संबंधित सी, चाहे बंदी सिंघां दी रिहाई का मसला सीगा, तो वह इशूज़ ने जिहड़े वो पंजाब लई वड्डे ने। इसलिए जे अज के टाइम च अलायंस हुंदा तो उस अकाली दल का बहुत वड्डा विरोध होना सी। सो इस करके अलायंस नहीं किया गया, तो मैनूं आस है कि इहदे विच सानूं वड्डा फायदा जिहड़ा मिलेगा। किस तरीके से देखते हैं अकाली दल का किस पार्टी से कंपटीशन होगा? क्या लग रहा है कि कौन सी पार्टी है जिससे अकाली दल का कंपटीशन होगा तो अकाली दल आगे जा सकती? देखो, तो समय दसूगा ना, अजे तो माहौल बन रहा, कैंडिडेट सारे आ गए ने, 15-20 दिन तक पता लगेगा कि असी तकड़े होकर चोन लड़ रहे हैं तो मुकाबले च कौन आता, क्योंकि आम आदमी पार्टी है जिहड़ी, जिन्होंने 92 सीटा मिलिया सी, वह लोगों की आसा तो पूरा नहीं उतर सके, बहुत वड्डियां उम्मीदां सी लोगों नूं, लेकिन अज लोगों का उन्होंने तो मोह भंग हो चुकिया वा। सो इसलिए जी कांग्रेस आ, कांग्रेस ने बड़ी जातियां कीतियां साडे नाल, खास तौर पर सिखां दे नाल, ते 1 जून में वोटा पैनी है, ते 1 जून का ही देना भी जदों दरबार साहब ते हमला होया। इसलिए लोग पंजाब दे बड़ा सोच समझ के इस बार अकाली दल का साथ देंगे। एक सर, BSP का गठबंधन था अकाली दल से, वो गठबंधन है या टूट गया? नहीं नहीं, वो BSP अपने तौर पर चुनाव लड़ रही है। तो क्या लग रहा है BSP का सपोर्ट तो कुछ था अकाली दल को? नहीं, उहदे विच दो ही गल्लां ने, जदों तां BSP का कैंडीडेट खड़ा हुंदा वो वोट फिर BSP नूं पैंदी है, जदों नहीं खड़ा हुंदा फिर वो कांग्रेस नूं चले जांदी है। सो इसलिए उहदा फायदा नुकसान नहीं, फायदा भी होगा क्योंकि वो वोट हुण को अपनी पार्टी नूं पाउणगे लोग, लेकिन जदों समझौते जे साडा कैंडीडेट खड़ा हुंदा तां वोट ट्रांसफर होकर फिर वो कांग्रेस चले जाती है। धाके से क्या लग रहा है सर आपको कि ओवरऑल अकाली दल को कितना फायदा होगा? देखो, धाका जिहड़ी सीट हैगी आ, इहने हमेशा ही साथ दित्ता साडा। पिछले तकरीबन 2003 तो मैं इस इलाके विचर रहे हैं, 4 बार तो असी विधानसभा जीती है इतों, तो लोकसभा भी 2 बार इतों हल्के दे विचों जिहड़े असी लीड दवाई है, तो इस बार भी मैं आस करदा कि लोग वड्डी लीड इतों जिताउणगे ढिल्लों साहब। ये बिल्कुल आप देख सकते हैं, अली साहब ये कह रहे हैं कि धाका हल्के के लोग बड़ी लेट से अकाली दल के उम्मीदवार रणजीत सिंह ढिल्लों को जिताएंगे। राजेश गौतम, जगबानी टीवी, लुधियाना।